देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर। प्रतिदिन नए कोरोना मरीजों और कोविड से मरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी से दहशत पैदा करती है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 273,810 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,619 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,50,61,919 हो गया है, तो वहीं कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,78,769 हो गई है। जम्मू शहर के जाने माने व्यापारी नागर सिंह के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से पर्दा अभी उठा नहीं था कि बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट पार्क स्थित आवास पर बियर की खाली बोतलें फेंककर सभी को दहशत में डाल दिया। अलबत्ता हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर साफ दिखाई दे रहा है। युवक ने 3 बोतलें घर के अंदर फेंकी, उसके बाद कार में सवार होकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके चलते स्थानीय और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट के बिना प्रदेश में प्रवेश बैन है, लेकिन कई लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर रावी दरिया को पार कर रहे हैं। उन्हें कोरोना और कानून का कोई खौफ नहीं है। कोरोना टेस्ट से बचने के लिए ये लोग रावी दरिया पार कर अपने अपने कस्बे और गांव पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का गांव देहात में पहुंचने से बहुत बड़ी संभावना बन गई है। पुलिस और जिला प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने समीक्षा बैठक की और इसके बाद दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। ये लॉकडाउन आज से लागू होकर अगले सोमवार सुबह जारी रहेगा। जम्मू संभाग के बढ़ते कोरोना वायरस के आंकड़े चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। इसी को लेकर जीएमसी कमिश्नर अवनी लवासा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए लोगों से अपील की कि मास्क जरूर लगाएं, हाथ अच्छे से धोएं और बार बार धोएं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें, साथ ही जमावड़ा ना करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। जम्मू के शहरी क्षेत्र में हर जगह अब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है अभी गाँव में मामले कम आ रहे हैं, परंतु शहरी क्षेत्रों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोरोना मरीजों के लिए 180 बिस्तरों की क्षमता बनाई गई है, इसमें से 101 भर्ती हो गए हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट शहर के विभिन्न इलाकों में किया जा रहा है, साथ ही लोगों को मास्क पहनना, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिला पुंछ की साइबर सेल द्वारा पुंछ में 26 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लाखों में है। आज 26 से अधिक मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। वहीं इस दौरान एसएसपी पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने मोबाइल की स्वयं देखभाल करें, उसमें व्यक्तिगत डाटा होता है और इसके दुरुपयोग की हर संभावना होती है। कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और क्षेत्र में एक प्रासंगिक रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने वाले कौशल की पहचान करने के उद्देश्य से कौशल मंत्रालय के तहत एक सरकारी संस्था जन शिक्षा संस्थान के सहयोग से भारतीय सेना ने 2 पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें तंगधार में यूथ सेंटर में स्थानीय छात्रों के कौशल को सुधारने के लिए 40 छात्रों का पहला बैच आज शुरू हुआ। फिर तंगधार में 4 महीनों की अवधि के लिए इसके बाद इंटर्नशिप आयोजित की जाएगी। ये पाठ्यक्रम इन दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं को योग्यता प्रदान करेगा। देश में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए महानगरों के लोग पलायन कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद समेत अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। इसी बीच रेलवे ने कई ट्रेनों को आज से रद्द करने का फैसला किया है। पश्चिमी रेलवे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पूर्ण राज्य की बहाली के संबंध में अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए वादों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी ये मांग पहले दिन से ही पार्टी के वजूद में आने से है।
एक तरफ जहां जम्मू में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं लोगों में इसको लेकर लापरवाही भी साफ देखी जा सकती है। ट्रैफिक विभाग द्वारा सभी वाहन चालकों को प्रशासन द्वारा कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर भी नकेल कसने के लिए अब ट्रैफिक विभाग द्वारा गति यंत्र का प्रयोग कर चालान काटे जा रहे हैं। इसी क्रम में स्पीडोमीटर लगाकर नरवाल बाईपास रोड पर तेज आ रही गाड़ियों को रोका गया, जो सीमित स्पीड से ज्यादा तेजी गति से चल रही थी, और उनके चालान काटे गए। अनंतनाग डीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला के निर्देश पर कार्य करते हुए प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी दोरू द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया। यह अभियान सभी हॉटस्पॉट, बस स्टैंड, यात्री परिवहन, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अस्पतालों के अलावा पैदल चलने वाले दुकानदारों सहित सार्वजनिक समारोह तक में किया गया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जनता सभी SOPs का पालन करे, कोविड के प्रसार को रोका जा सके। ड्राइव के दौरान बिना मास्क पहने लोगों का ₹500 का चालान भी काटा गया। अध्यक्ष MC डोरू पेरिलाग मोहम्मद इकबाल अहंगार ने कहा कि डोरू और बरामदा के सभी तहसील मुख्यालयों में एक साथ ये ड्राइव की जा रही है, जहां सभी यात्री वाहन, सभी सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों व अन्य संवेदनशील स्थानों की जांच की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कोविड के SOPs का पालन कर रहे हैं या नहीं।